सो वेलकम टू पॉडकास्ट फॉर क्रिएटर्स। एंड आज हमारे साथ एक हीरो एनिमेशन जिनका यूट्यूब पे एक चैनल है विद ओवर 500 प्लस सब्सक्राइबर्स। सो सबसे पहले शुरू करते हैं एक इंट्रो के साथ, तो अपना एक इंट्रो दे दो ऑडियंस को अपने बारे में बताते हुए। तो हेलो गाइस, मैं हूँ कीरो एनिमेशन फ्रॉम कीरो एनिमेशन चैनल। मेरे को इंट्रो तो देना आता नहीं है, पर जो भी है ये है। अभी तक तो मैंने कुछ सोचा नहीं था, ऐसे में अभी नर्वस भी बहुत। तो या या ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन कि चैनल का नाम कीरो एनिमेशन क्यों रखा, कीरो का क्या मतलब होता है? कीरो मतलब मैं गुजरात से हूँ, तो ओके ओके मैं बचपन से मेरे को मेरा नाम है कीयूर, ठीक है। ओके। तो यहाँ पे मेरे को सब क्रो क्रो है तो बोलते हैं ना, कौआ, गुजराती वर्ड होता है उसका काकड़ो। मतलब या बहुत सारा ऐसे गुजराती वर्ड होता है, ठीक है। तो काकड़ो काकड़ो मतलब कीयूर से बहुत सारे लोग चिढ़ाते थे मेरे को। तो मैं सोच रहा था कि क्या अच्छा सा नाम रखे या फिर क्या करे। तो मैंने सोचा क्यों ना क्रो का अपना के ई निकाल दिया मेरे नाम का के ई, और पीछे का ROW क्रो का जो होता है, तो मैंने बना लिया कीरो। और मैंने सर्च किया कीरो पहले, और कीरो पहले ही किसी ने ले रखा था। और मेरा नाम तो मैंने पहले सोचा था कि मैं केयूर एनिमेशन रखूंगा, पर पहले ही कोई केयूर एनिमेशन था, तो मैं वो भी गुजरात से ही है, तो मैंने सोचा कुछ अलग सा ही नाम रखते हैं। तो या ऐसे कीरो एनिमेशन रख दिया। ओके। एंड अपने एनिमेशन क्यों चूज किया फॉर एक्सप्रेसिंग योर कंटेंट एंड ऑल? एनिमेशन ऐसे चूज नहीं किया, मैं पहले से ही ड्रॉइंग्स में बहुत अच्छा था, पर 10th के बाद मैंने मेरी ड्राइंग बहुत छूट गई, ठीक है। और जब ग्लोकस का जो वीडियो आया था, पता है RG और मतलब RG और वो एनिमेशन अंडररेटेड, तब मुझे ये बहुत बहुत फैसिनेटिंग लगा। पहले से ही मैं फैसिनेटिंग था मतलब VFX ब्रेकडाउन और वो सब में, और मैंने ये देखा कि एनिमेशन कैसे बनता है, ठीक है। वो अंडररेटेड जो थे, तो वो लोग मैंने देखा, मेरे को बहुत फैसिनेटिंग लगा। तो मैंने कुछ करके मैंने सोचा, और पहला वीडियो मैंने वैसे बनाया था RG और वैसे करके, पर मेरे को भी आज भी रिग्रेट होता है कि मैंने वो क्यों बनाया, ठीक है। तो मैंने ऐसे स्टार्ट किया, तो इतना ज्यादा नॉलेज नहीं था तब। ओके, सो आप अपनी इंस्पिरेशन किसको मानते हो, बनने वाले इंस्पिरेशन कोई एनीमे है या कोई यूट्यूब क्रिएटर है फ्रॉम इंडिया एंड फॉरेन, तो किसका अपनी वन एंड ऑनली इंस्पिरेशन मानते हो आप? तो इंस्पिरेशन तो मैंने जब वो वीडियो देखा था लोकस का, तो उसमें से मैंने RG का नाम बहुत सुना, फिर मैंने उसका चैनल देखा और मैंने बिंज वॉच किया, ठीक है। पूरे का पूरे एक दिन में पूरे सारे वीडियो देख लिया। तो इंस्पिरेशन तो RG है। फिर मुझे पता चला कि बहुत सारे क्रिएटर है ऐसे, कीर्ति चाओ, करण एनिमेशन, उन लोगों ने भी बहुत सारे इंस्पायर किया, बट RG एंड डोमिक्स जो मतलब पता एशियन ही है, बट डोमिक्स एक एनिमेशन चैनल है, वो भी मेरे को इंस्पिरेशन बहुत ज्यादा दिया एनिमेशन के लिए। ओके, एंड आपके अभी तक की जर्नी क्या रही है यूट्यूब पे? इससे पहले आपके कोई भी चैनल रहे होंगे या मुझे पता नहीं आएगा रहे होंगे, एंड वो अभी यही तक है की आपकी जो जर्नी क्या है? मैंने मैंने जर्नी तो ऐसे पता नहीं, बट जब पहले पहले मेरे पापा इंटरनेट का वो फोन लिया था, सैमसंग का कुछ था, तब वो नीचे एड चलती थी, तब आया था यूट्यूब का, और मैंने गलती से वहां टैप कर लिया था और यूट्यूब अचानक से ओपन हो गया था। तब तो बहुत पुराना था, मतलब 2017 का या फिर 16, तक लॉन्च हुआ था। तब से मेरे को अच्छा लगता था। फिर मैंने इसके 3-4 साल बाद मेरे को पता चला कि इससे पैसे भी कमा सकते हैं, तो वैसे करके करके आए। और मैंने जब मैंने कॉलेज में था, अभी मैंने इंजीनियरिंग को छोड़ दिया है, और मैं अभी फुल टाइम एनिमेशन का अरेना एनिमेशन में कर रहा हूँ। तो या और जो जो जर्नी थी ना, तो वैसे ही किया था मैंने। सॉरी क्या मतलब क्वेश्चन क्या था, भूल गया मैं, सॉरी। आपके आपके अभी तक की जर्नी क्या रही है यूट्यूब पे? हाँ, तो जब मैंने इंजीनियरिंग किया था ना, तो थर्ड तीसरा साल या फिर दूसरा साल था कोविड के टाइम,
तो मैंने सोचा एक ट्राई तो मारते हैं, तो गेमिंग चैनल शुरू किया। उसका नाम भी बहुत ज्यादा अटपटा था, जीवी की आर ऐसा करके था, और मैंने फिर बदल दिया ये कीरो एनिमेशन। तो मैंने ट्राई किया, अभी भी मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस होंगे मेरे फेस के साथ। वो मेरे को बहुत ज्यादा एम्बेरसिंग भी लगता है कि मैंने रखा है। तो हाँ, मैंने वहां से स्टार्ट किया, फिर बनाते गया, फिर मेरे को ये एनिमेशन पता चला, और वैसे ही कुछ हुआ था। अच्छा, एंड साहब ने बीच में कहा था कि आपने एंजीनियरिंग को क्विट किया था एंड आपने एनिमेशन का कोर्स वगैरह शुरू किया था। आप किसकी प्रेफरेंस में हो कि आपको अगर आई एम श्योर कि ऐसे काफ़ी स्टूडेंट्स होंगे जो इस पॉडकास्ट को सुन रहे होंगे एंड वो लोग भी अपनी पढ़ाई वगैरह अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करें, एनिमेशन को प्रेफर करोगे देखो, पढ़ाई को करोगे? अगर एनिमेशन में अगर करना चाहते हो, यूट्यूब के लिए करना चाहते हो, तो मत करना, ठीक है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मैं फैसिनेटिंग हूँ, और मैं अभी जो पढ़ रहा हूँ एनिमेशन का, उसमें मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ये मैं तो सिर्फ पार्ट टाइम के लिए कर रहा हूँ। अगर आपको एनिमेशन करना है तो मतलब थोड़ा यूट्यूब तक ही मत सोचो। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे कि मेरे को भी एनिमेशन करना है, वो जो स्टेप करते हैं ना ड्राइंग का, वो करके ही वो लोग बहुत ज्यादा बहुत सारे लोग ऐसे कंटाल जाते हैं। मतलब क्या बोलते हैं, उनको बोर होने लगता है, ठीक है, उनको बोरियत थोड़ी लगती है। तो उसके लिए यूट्यूब के लिए एनिमेशन मत करो। अगर एनिमेशन करना ही है तो मतलब पूरी तरीके से करो, सिर्फ यूट्यूब के लिए मत करो। मैं तो अभी यही बोलूंगा, क्योंकि मैं अभी मैंने इंजीनियरिंग थर्ड मतलब लास्ट ईयर में छोड़ दिया है, सोच सकते हो, एडमिशन के लिए। और अभी मेरे को इतना ज्यादा मतलब इतना ज्यादा डार्क हो गया था ना, मैं बीच में इतना ज्यादा डिप्रेशन में चला गया था, मैं बहुत ज्यादा मतलब अंदर भर चुका था, मैं पूरी तरह भर चुका था। तो मैंने ट्वीट किया, मेरे मन को पता है, पर अभी मैं खुश हूँ। अभी थोड़ा मैं फ्रीलांस भी कर रहा हूँ, थोड़ा वीडियो वीडियो एडिट कर देता हूँ, और वैसे भी कर रहा हूँ। और एनिमेशन में अभी बहुत कुछ आगे आगे आने वाला है, ठीक है। तो अभी जो मैं सॉफ्टवेयर सीख रहा हूँ ना, वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। मैं एनिमेट मेरे को अच्छा नहीं लगता, मेरे को एनिमेट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसकी लाइन्स बकवास होती है, उसमें लाइन्स आपको अच्छी नहीं मिलती है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, बकवास बकवास सबसे बकवास है। तो मैं अभी दूसरा सॉफ्टवेयर सीख रहा हूँ, वो होता है हार्मनी, टोनबो मारवी भी नहीं, हार्मनी, जो बहुत ही टॉप नॉच होता है, उसकी लाइंस बहुत ही अच्छी होती है, बाय द वे बेस्ट। ओके, तब थोड़ा सा सॉरी, मैं थोड़ा आउट ऑफ हो गया, कोई बात सॉरी। नहीं सर। अभी हमने इस क्वेश्चन हल्का सा आउट ऑफ ट्रैक रखता है। वो क्वेश्चन है कि आपके इंजीनियर आपने जो तो क्विट किया, उसके पीछे का रीज़न क्या था? आपको एनिमेशन शुरू करना था इसलिए आपने किया, या फिर हार्ड लग रहा था इसलिए किया? क्योंकि ये मेरा भी प्लान है कि मेरे कभी इस फील्ड में जाना है एंड मैंने बुक्स वगैरह देख रखी है तो हार्ड होता है। तो आपने क्विट क्यों? ग्रीपराश, अगर आपको पता हो ग्रीपराश के बारे में तो। हाँ, या तो उसने उसने इसलिए भी वो कहता क्विट क्योंकि उसको पसंद नहीं था एक तो, एंड उसको इस फील्ड में भी आना था यूट्यूब वगैरह में। आपका क्या वो है ओपिनियन, आपने क्यों किया? तो 10th के बाद गुजरात बोर्ड में ऐसा होता है, पता नहीं दूसरे बोर्ड में होता कि नहीं, 10th के बाद आपको डिप्लोमा का चॉइस मिलता है, ठीक है। और मेरे को 11th 12th से बहुत ज्यादा डर लग गया था, बिकॉज मैंने बोर्ड की 10th की बोर्ड की एग्जाम दी, मेरी फट चुकी थी तब। तो अब मेरे को लगा 11 12 करना अभी बेवकूफी होगी। तो मैंने 10th के बाद डिप्लोमा चूज किया, पर मैं सोच नहीं पाया कि मैं किस में करूँ। और मेरे पापा जो मैकेनिकल की लाइन में है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और उसमें जॉब करते हो, ठीक है, मतलब सिंपल सी जॉब करते हैं, 10,000 15,000 मैक्सिमम। तो वो जॉब करते थे, और उन्होंने कहा कि ये फील्ड अच्छी है। मेरे को मैंने जब ज्वाइन किया, एक एक साल में मतलब 6 साल में मतलब 6 महीने में मेरे को समझ आ गया ये मेरा काम नहीं है। पर फिर भी मैं खींचता रहा खींचता रहा खींचता रहा। तीसरे साल तक मैं बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया इससे, मैं इससे छुटकारा पाना चाहता था। मेरे को नहीं समझ आ रहे थे,
मेरे बहुत सारे शायद पता नहीं, मैंने मेरे को बहुत ज्यादा अंदर वो हो गया था कि मेरे को अभी ये नहीं करना है, करना है तो कुछ अच्छा करना है जिसमें अच्छा कुछ मतलब पोस्ट हो और कंप्यूटर के सामने काम हो, ठीक है। मैं बैठ के काम करना चाहता था, वो मैकेनिकल में मेरे को अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैंने क्विट किया एंड फिर मैंने एनिमेशन का चूज किया, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो डोंट डू इट। अब मेरे को 6 महीने में समझ आ गया था कि मेरे से नहीं हो रहा है, पर फिर भी मैंने उसको इतना खींचा, बहुत ज्यादा मैंने मतलब सहा है। तो वैसा मत करो, नहीं हो रहा छोड़ दो, अपने मम्मी पापा को बैठ के समझाओ नहीं हो रहा है, वो आपको कुछ नहीं करेंगे, आपको थोड़ी गालियां देंगे या फिर थोड़ा बहुत मतलब करेंगे, पर एट द एंड आपका अच्छा होगा। वो भी ऐसा नहीं चाहते कि भाई, वो भी चाहते कि भाई अच्छा करे, इसमें भी अच्छा हो उनको। और मैं पहले की पेरेंट्स की बात करें तो पेरेंट्स को ये सब बातें अभी भी समझ नहीं आती है, एनिमेशन और ऑनलाइन वर्क में उनको अभी भी समझ नहीं आता है कि इससे पैसे कमाए जा सकते हैं। मैंने उनको कहा कि इससे अच्छा मैं इसमें कर सकता हूँ एनिमेशन में, पर उनको अभी भी विश्वास नहीं है, उनको अभी तक 100% मेरे पे विश्वास नहीं करते, ठीक है। मेरे पे अभी भी उनको 100% विश्वास नहीं है कि मैं ये कर रहा हूँ। 50% चांस है उनका कि ये 2 साल तेरे, तू कर ले जो करना है, उसके बाद मुझको मत बोलिए कि तुमने मुझको को पढ़ाया नहीं। मेरे को अभी भी ताने मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है, मैंने चूज किया पर मेरे को अभी भी ताने पड़ते हैं, ठीक है। मैं अभी कर रहा हूँ, और जो लोग कहते हैं ना कि एनिमेशन स्टूडियो बहुत ही गंदा सिखाता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। मेरे यहाँ का एनिमेशन स्टूडियो बहुत ही बढ़िया है और हर तरीके के सॉफ्टवेयर और सब कुछ बारीकी भी बताते हैं मेरे को। तो मेरे को और सबका नहीं पता, पर मेरे यहाँ का एनिमेशन स्टूडियो बेस्ट है और मेरे को अच्छा लगता है यहाँ पे। और हाँ भाई यही है। ओके, तो बता रहा था आपके कंटेंट के ऊपर। तो वैसे ना, ये मैं काफ़ी बार कह चुका हूँ कि एक कंटेंट आपके पास होते हैं और दो टाइप के, एक तो होता है कि आप फैमिली फ्रेंडली बनाओ और दूसरा होता है कि आप MCBC का लिया दो और एंड ऑल। सो या सो विच टाइप ऑफ कंटेंट यू प्रेफर फॉर योर चैनल एंड क्या सजेशन दोगे वो ऑडियंस को, उनको किस तरह का बनाना चाहिए फॉर देखो ग्रोथ ऑन यूट्यूब? देखो, अभी एनिमेशन करें तो अभी बोले तो फैमिली फ्रेंडली अच्छा रहता है, ठीक है। अगर MCBC करे तो यूनिक बन जाता है, ठीक है। दोनों में फर्क है, फैमिली फ्रेंडली भी कर सकते हो और यूनिक भी बना सकते हो आप। और यूनिक बनाने के लिए ना आपको अच्छे से उसको ब्लेंड करना होगा। अगर आप ऐसी जगह पे MCBC बोल दो कि जहां जरूरत भी नहीं है, ठीक है, अभी भी कैरी मिनाटी का वीडियो देख लो, जहां उसको जरूरत है तब भी वो गालियां देता है अब की वीडियो में, ठीक है। पहले की वीडियो में वो वैसा करता था, MCBC कभी कभी कहीं भी बोल देता था। तो जहां जरूरत है वहां डाल के आप यूनिक बना सकते हो। और फैमिली एनिमेशन करो तो फैमिली फ्रेंडली आप बहुत सारे लोग बनाते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आप कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर फ्रस्ट्रेशन है तो उसको ऐसे गालियों में आप निकाल सकते हो और उसको यूनिक बना सकते हो, ठीक है। आप ऐसे करके भी आप अपने आप को यूनिक बता रहे हो, आप वही एक टिपिकल नहीं हो, आप वैसा नहीं कि सब लोग एक लाइन में जा रहे हैं तो एक लाइन में जा रहे हैं, नहीं ऐसा बात नहीं है। वो नहीं बोलते कि भेड़ जा रही है तो उसके पीछे कोई एक और भेड़ चली जाएगी, ऐसा नहीं करना है। अगर बनाना है तो अच्छा यूनिक बनाओ, दूसरों से अलग हो। पर ऐसा नहीं कि कहा है कहीं भी MCBC डाल दिया, कहीं भी जरूरत नहीं है फिर भी डाल दिया। अगर कैरेक्टर फ्रस्ट्रेटेड है तो उसको आप ऐसे तरीके से यूज कर सकते हो और उसको यूनिक बना सकते हो। मेरा तो यही है, मैं भी अगर फ्यूचर में देखूंगा मैं भी इसको इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ। क्योंकि उसको भी ऐड करने से आपके अंदर एक और एसेंस आता है ऑफ सेंस ऑफ ह्यूमर का, कि डिपेंड करता है उसको यूज़ कैसे कर रहे हो। कि अगर हाँ एक वही सेंटेंस में लाइक मैं नॉर्मल लिखा हूँ और
और मैं उसको हाँ इन अ गाली कहूँ, सो वो मेरे लिए ज़्यादा लगता है फनी। एक छोटा सा अगर एग्जाम्पल उनको समझ नहीं आया, अगर मैं अपनी वीडियो में कहता हूँ किसी और एक्टर को, ये क्या पागल इंसान है, एंड वही मैं कहता हूँ ये क्या चूतिया इंसान है, सो हाँ काफ़ी लोग थोड़ा वो रिलेट करेंगे कि सेकंड वाला और फनी है। हाँ सही वो है। उनको रिलेटेबल बहुत सारे वर्ड्स होते हैं उनको, फ्रेंड के साथ अगर फ्रेंड्स के साथ बोलो तो कैसा गाली भी दे देते हैं, कुछ ओकेजनली गाली देते हैं, भाई तू तो चूतिया है ऐसा वैसा, तो ऐसा हम बात करते हैं फ्रेंड के साथ। और फैमिली फ्रेंडली मतलब आप अपने बाप के साथ या फिर किसी और के साथ मतलब अपने रिश्तेदार के साथ बात कर रहे हो वैसा साउंड करेगा, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है कि आप उसको यूज नहीं कर सकते, आप अपने कंटेंट को यूनिक बनाने के लिए यूज कर सकते हो, आपके फ्यूचर ऐसी गोल्स बात क्या नहीं है। है? आपके फ्यूचर के गोल्स क्या है? आपको कैसे कोलैबोरेशन करना है, या आप फ्यूचर में क्या क्या और कंटेंट अपनी ऑडियंस को दोगे? क्या फ्यूचर गोल्स देखो क्या है? अभी अभी तो मैं एनिमेशन कर रहा हूँ और मेरे को जो मैं अभी सॉफ्टवेयर बता रहा था ना उसको सीखने के लिए टाइम लग रहा है। मैंने एक पूरा सीन बनाया, बहुत ही अच्छा सीन बनाया, और मैं अपने कंटेंट को ना बहुत अच्छा मैं बनाना चाहूंगा, ठीक है, बहुत अच्छा होगा, मैं वही का अभी बता सकता हूँ। और आगे तो मैं मतलब बहुत सारे लोगों के साथ कोलैब करना चाहता हूँ, पर मैं किसी के साथ बात नहीं कर पा रहा है, ठीक है, मैं किसी के साथ अच्छे बात नहीं कर पा रहा कि हाँ यार कि अगर आप, मैंने बहुत सारे लोगों के साथ डीएम में बात की है, उसके बाद मैं शांत पड़ चुका हूँ, वो भी शांत पड़ चुकी है, वैसा ही हो रहा है। तो मेरा कभी कोई कोलेबरेशन फर्स्ट कोलैब है, ठीक है यार, या मेरे सबसे साथ। पहला कोलैब है अच्छा। और यही है अभी। मेरे को कोई जानता भी नहीं होगा, सच्ची बताओ मेरे को कोई नहीं जानता होगा अभी, कोई भी नहीं, लिटरली आप पहले हो जो मेरे को जान रहे हो। सो कैसा लग रहा है? आपने अभी आपका फर्स्ट कॉल आया था, तो फर्स्ट कॉल आप इन अप और कल आपको अच्छा अच्छा लग रहा है कि, या क्या फीलिंग है अभी अरे आपको? अंदर से ऐसा फीलिंग आ रही है कि यार सच में हो रहा है क्या, बहुत ज्यादा दिल ऐसा है, नर्वस भी हूँ और अच्छा भी लग रहा है, बहुत ज्यादा नर्वस भी हूँ, बहुत ज्यादा अच्छा भी लग रहा है। और कोलैब करनी चाहिए, मेरे को तो ऐसा ही लगता है कि कोलैब करनी चाहिए। आप दूसरे लोगों को जानते हो, ठीक है, आप अपने अपने जैसे लोगों से आप बात कर रहे हो, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, सोच लो, ठीक है, ऐसे नर्ड होते हैं ना, तो ऐसे बात कर रहे हो कितना अच्छा लगता होगा, मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, पता नहीं आपको कैसा कैसा लग रहा है। ये देखो बहुत एंजॉयबल पार्ट होता है कोई मैं क्रिएटर से बात करना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ना बहुत ज्यादा बड़ बोला हूँ, बातें करना शुरू कर दूं तो मैं रुकता नहीं हूँ, तो शायद आपका पॉडकास्ट थोड़ा बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। वो मैंने देख लिया, एक दो लेक्चर में तो लंबा हुआ है। सॉरी फॉर दैट, नहीं कोई मैं बात अभी भी नहीं, सॉरी बोल रहा हूँ कोई इसके नहीं। लिए, ऑडियंस को भी लाइक अच्छा लगता है लंबे पॉडकास्ट सुनना। मेरा तो तो कोई मेरा तो बात नहीं, आपकी रेडियो ऑडियंस के लिए थोड़ा और खींच लेंगे, कोई बात नहीं। ओके सर, आपकी एक वीडियो मेकिंग प्रोसेस क्या होती है? फ्रॉम अगर आप आइडिया आता है ब्रेन में टेल आप अपलोड कर लेते हो वीडियो को, क्या क्या प्रोसीजर तो फॉलो होती देखो है? वीडियो मेकिंग प्रोसेस में मेरा 5-6 साल तक के टॉप मेरे पास अभी तक अभी से है, मैं पूरी लिस्ट बना के रखी है, पर मैं अटक जाता हूँ स्क्रिप्टिंग में, मेरे को अभी भी स्क्रिप्टिंग नहीं आती है, बिल्कुल भी नहीं, मेरे को स्क्रिप्टिंग बिल्कुल भी नहीं आती है, मेरे को लगता है भाई क्या लिखूं मैं, मेरे दिमाग में पूरी स्टोरी है पर मैं उसको कागज पे ऐसे स्क्रिप्ट नहीं कर पाता हूँ। मैंने इवेंचुअली मैंने वो जो स्टोरी था ना मैंने रिकॉर्ड करके रखी है, पर मैं उस रिकॉर्ड को थोड़ी ऐसे सबको नरेट करके या फिर ऐसे ही बना के दे दूंगा, पर मैं अभी अभी भी स्क्रिप्ट नहीं कर पाता हूँ। मेरे पास 5-6 साल तक के कंटेंट मेरे लिस्ट में है, क्या क्या बनेगा क्या क्या होगा, पर स्क्रिप्ट में अभी भी अटक चुका हूँ। और अगर मैंने ये वीडियो जैसे बनाया है, ये मेरा लेटेस्ट वीडियो, उस पे भी स्क्रिप्टिंग नहीं की है, तो उसमें भी बहुत भेड़ चाल हुई है, तो उसकी वजह से ही मैंने वो अनुपमा और पता नहीं कहाँ कहाँ से मैंने वो डाल दिया, तो ऐसा होता है, ठीक है। फिर मैं देखो अगर स्क्रिप्टिंग में थोड़ा बहुत कर लेता हूँ, उसके बाद आता है एनिमेशन कराई, एनिमेशन मैं अपने लैपटॉप पे कर लेता हूँ, और उसके बाद थोड़ा सा एडिट कर लेता हूँ और फिर पब्लिश कर देता हूँ यार, ऐसा
मतलब बहुत कुछ ऐसा नहीं कर लेता हुआ है। कैसा बात है से हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पे कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स है, जो टिपिकल जॉब इंटरव्यू में पूछते हैं। आई होप मैं वैसा साउंड ना कर रहा हूँ, बट या अगर अगर बोले कि आपको क्या लगता है आपके साथ और कुछ सालों में क्या होगा, आपकी ग्रोथ, आपकी अभी की ग्रोथ को देख के क्या लगता है? देखो अभी तक अभी की ये ग्रोथ है ना वो टेम्पररी है, उसके बाद ये ग्रोथ डाउन ही जाएगी, मेरे को अभी से फील आ रहा है। तो मैं अभी उतने लेवल तक तो नहीं सोच रहा हूँ, पर हाँ मेरे को ऐसा लग रहा है कि 1000 तो टच कर लूंगा 5 साल में शायद। ऐसी बात नहीं, 1000 मेरे को, मेरा सबसे बड़ा गोल यही है 1000, और मतलब 1 लाख सब्सक्राइबर्स और एक एक्सपी पेन का स्पॉन्सर। मेरे गोल में से वही है, एक्सपी पेन का स्पॉन्सर मैं अपने चैनल पे लेके आऊं, मेरे को वही चाहिए सिर्फ। देखो यार मतलब ऐसा हो भी सकता है, अभी नहीं भी हो सकता भाई, अगर और भी आ जाए या फिर ना ही हो, पता नहीं, मैं 5 साल में कहीं जॉब कर रहा हूँ। ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, पर एनिमेशन रखूंगा, मैं करूंगा ये एनिमेशन, तो पार्ट टाइम करूंगा, जॉब करूंगा पर पार्ट टाइम ही करूंगा, पर मैं करूंगा जरूर, ऐसा तो पकड़ के ही बैठो। ओके सो विद इस क्वेश्चन भी रैप अप पॉडकास्ट एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इनके चैनल का लिंक मिल जाएगा। सो इनको भी सपोर्ट करना है, इनके ट्राई करना है, एटलीस्ट 1K हो जाए जो इनका एक गोल है। सो बस एट द एंड आपको कुछ और एडवाइस करनी ऑडियंस को या कुछ और कहना है ऑडियंस को जो इसको सुन रही है, तो बोल दो वो भी लास्ट में। तो देखो भाई इनको भी सब्सक्राइब कर लो, मेरी भी ऑडियंस शायद मैं इंस्टाग्राम पे बता दूंगा, तो अगर भाई इनको भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना तो कर लो। और हाँ, मैं आपके चैनल पे शायद एनिमेशन वाले बहुत सारे बच्चे या फिर स्टूडेंट हो गए, तो मैं ये कह रहा हूँ कि यूट्यूब के लिए एनिमेशन कभी मत करना, ठीक है। यूट्यूब के लिए कभी एनिमेशन मत करना, करना है तो प्रॉपर वे में करो, बस यही कहना है मेरे को। ओके सो या गाइस इनके चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड आपको इनके इंस्टाग्राम पेज का भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। सो इनको सपोर्ट करना एंड मेरा मेरा फेस देखना तो इंस्टाग्राम पे आ जाना है। वही तो, वही फोटो लगाई हुई है मैंने, सो ये आपको अगर ठीक है। सॉरी मैंने आउटरो का रोका, कोई बात नो नहीं, कर प्रॉब्लम, नो लो प्रॉब्लम, सॉरी। या नो प्रॉब्लम। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको भी लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। सो या हम मिलते हैं अगली वीडियो में, अब तब तक के लिए बाय बाय।